अपनी माली हालत सुधारने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC अब निजी बसों को पछाड़ने की तैयारी कर रहा है। बस चालकों को विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें सवारियों से कैसे अच्छे से बात की जाती है यह भी बताया जा रहा है। अपनी माली हालत सुधारने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC अब निजी बसों को पछाड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निगम प्रबंधन अब चालकों और परिचालकों को प्रशिक्षण देगा। इस प्रशिक्षण में उन्हें सवारियों को लुभाने के गुर सिखाए जाएंगे। बस स्टॉपेज पर बस रोककर सवारियों को अदब से कैसे बुलाया जाता है, परिचालकों को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान महिलाओं के साथ कैसे पेश आना है ये भी विशेष तौर पर परिचालकों को बताया जाएगा। निगम प्रबंधन ने प्रत्येक चालक को निर्देश दिए हैं कि वे हर बस स्टॉपेज पर रुककर सवारियां उठाएं। अक्सर देखा गया है कि चालक कई बार बसों को स्टॉपेज पर नहीं रोकते, ऐसे में सवारियों को दूसरी बस का इंतज़ार करना पड़ता है या वे ऐसे में निजी बस का रुख करते हैं, इससे भी निगम को घाटा उठाना पड़ता है। इस संबंध में अब निगम ने चालकों को हर बस स्टॉपेज पर रुकने के निर्देश दिए हैं। बात यह भी कही जा रही है कि निगम को घाटे से उबारने के लिए निगम ने ये योजना तैयार की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवारियां निगम की बसों में सफ़र कर सके। मौजूदा समय में निगम 83.26 करोड़ के घाटे में है, अभी यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। ऐसे में निगम इस घाटे को कम करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।